देवास जिले के इंदौर बैतूल राष्ट्रीय राजमार्ग पर खेड़ा खाल गांव के पास एक डंपर बाइक की भिड़ंत में एक युवा आरक्षक की मौत हो गई। घटना बागली थाना क्षेत्र की है। सूचना मिलने पर डायल 100 की सहायता से गंभीर घायल आरक्षक को बागली के सामुदायिक केंद्र पहुंचाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने आरक्षक को मृत घोषित कर दिया। शव का पीएम कर परिजनों को सौंप दिया गया। पुलिस जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार कन्नौज निवासी आरक्षक कुंदन एडिशनल SP कार्यालय पर पदस्थ था। कार्य के सिलसिले में वह कन्नौज से बागली की ओर आ रहा था, तभी रास्ते में उसकी बाइक रेत से भरे डंपर में भिड़ गई और उसकी मौत हो गई। उधर पुलिस ने डंपर को जब्त कर लिया है। आपको बता दें कि कुंदन के पिता बागली थाने में पदस्थ थे। उनकी मृत्यु के बाद कुंदन को अनुकंपा नियुक्ति मिली थी। कुंदन अपने परिवार का एकमात्र सहारा था। एडिशनल SP साहब के कार्यालय में कार्यरत हैं कुंदन बोहरे। इनके रात में एक्सीडेंट की सूचना मिली थी। उस सूचना पे इनको हॉस्पिटल लेके आया था। उनका देहांत हो गया है। उनका मर्ग कायम करके और PM करा दिया गया है और रवाना किया जा रहा है कन्नौज में लेके जा रहा हूँ। सर, क्या प्रशासन से किसी कार्य के लिए रवाना हुए थे और अभी जांच हमारी जारी है। सर, गाड़ी के खिलाफ कुछ कार्रवाई जो जिसमें एक्सीडेंट हुआ है? बिल्कुल, जो भी तथ्य आएंगे उसकी जांच में वो विधिवत कार्रवाई की जाएगी। अपराध विवेचना में जो तथ्य प्राप्त होते हैं कार्रवाई। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं।